हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन थिंक्स डेली। आज हम लोग 1000 क्वेश्चंस के सेट में से आज पार्ट 6 का डिस्कस करेंगे। ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन जो भी है ये वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन और उसके बाद तुरंत उसका आंसर। इसे मैं इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। रिपल्सन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखिए, रिपल्सन मोटर प्रतिकर्षण या विकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, रिपल्सन मोटर की बनावट और कीमत में अन्य मोटर से होती है। देखिए, इसमें अन्य मोटर की तुलना भी की जा रही है उसके प्राइस में और उसकी बनावट में। देखिए, इसकी बनावट जटिल होती है और ये इसकी कीमत अधिक होती है अन्य मोटरों की तुलना में। रिपल्सन मोटर की बनावट जटिल होती है और इसकी कीमत अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किन गुणों के कारण रिपल्सन मोटर का उपयोग उद्योगों में किया जाता है? देखिए, रिपल्सन मोटर का उपयोग उद्योगों में अधिकतर किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी उच्च स्टार्टिंग टॉर्क है, इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो बहुत हाई है और इसकी प्रतिरोध अधिक होता है। रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण या करंट का कम यूज़ करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिपल्सन मोटर में ब्रश प्रयोग करते हैं। देखिए, रिपल्सन मोटर में सामान्यतः हम लोग दो ब्रश का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर है दो ब्रश। कार्बन ब्रशेज को स्टार्टर की कितनी चुंबकीय अक्ष पर स्थापित किया जाता है? देखिए, कार्बन ब्रशेज को स्टेटर की कितनी चुंबकीय अक्ष पर, यानी कि कितना किस डिग्री पर इसको करते हैं, तो इसको हम लोग 20 डिग्री पर करते हैं और ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है, MNA और GNA, एक जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस होता है और दूसरा होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यानी कि चुंबकीय अक्ष। तो इस पे हम लोग 20 डिग्री पर करते हैं जिससे कि स्पार्किंग कम होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग को किसके द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है? देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग को कार्बन ब्रशों के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी की प्रत्येक पूर्ण साइकिल कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री पर बननी चाहिए? देखिए, एसी की प्रत्येक पूर्ण साइकिल 360 डिग्री पर बननी चाहिए। आप अगर एसी की साइकिल देखते हैं तो वो ऊपर नीचे अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, इसलिए ये 360 डिग्री पर इसकी पूर्ण जो बनती है पूर्ण साइकिल 360 डिग्री पर बनती है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड में कितनी साइकिल बनते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए, फ्रिक्वेंसी, इसका आंसर है फ्रिक्वेंसी। हम लोग जानते हैं फ्रिक्वेंसी का, ये जो है फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन है और इसको प्रति साइकिल ये बनता है, एक सेकंड में एक साइकिल बनता है इसका। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, देखिए इंडियन फ्रिक्वेंसी कितनी है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में होने वाली प्रयोग होने वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसका आंसर है 50 हर्ट्ज़ यानी 50 हर्ट्ज़। अगला क्वेश्चन है, एसी में कम करंट के लिए तार प्रयोग में लेते हैं? देखिए, एसी में कम करंट के लिए हम लोग पतले तार का प्रयोग लेते हैं जिसका कि वोल्टेज अधिक होता है। हमें अगर अधिक वोल्टेज चाहिए तो हम तार पतले लेते हैं जिससे कि इसमें करंट कम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तारों को ऐड कर क्यों बनाया जाता है? देखिए, तारों को हम लोग ऐड कर बनाते हैं क्योंकि उससे हमें यांत्रिक मजबूती मिलती है, तो यांत्रिक मजबूती के लिए हम लोग तारों को ऐड कर बनाया जाता है। यांत्रिक मजबूती यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर बताइए कि एसी में उच्चतम मान कब प्राप्त होता है? देखिए, एसी में पूछा गया है, एसी में उच्चतम मान कब प्राप्त होता है?
जब अल्टरनेटर में कॉइल चुंबकीय क्षेत्र को 90 डिग्री पर काटती है, देख लीजिए, जब अल्टरनेटर में कॉइल चुंबकीय क्षेत्र को 90 डिग्री पर काटती है तो उस समय उच्चतम मान प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तात्कालिक मान का सूत्र बताइए। देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन्हें पूछा जा रहा है, तो इसका होता है एनर्जी है ये, नहीं सॉरी, ई मैक्स साइन थीटा होता है इसका, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आपने उसको बुक में देख के सुधार सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ाते हैं। एसी में औसत मान होता है, देखिए औसत औसत मान यानी कि एवरेज मान, हम लोग जानते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो हमारा आरएमएस वैल्यू होता है, जो भी हम लोग देखते हैं, और इसमें एवरेज वैल्यू हमारा होता है 0.634। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए फॉर्म फैक्टर का सदैव, देखिए फॉर्म फैक्टर का मान सदैव होता है, फॉर्म फैक्टर का सदैव मान 1.111 होता है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, इस टाइप के आपको बहुत इसकी वैल्यू हमेशा एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीक फैक्टर का मान होता है, देखिए पीक फैक्टर का मान 1.414 होता है, यानी कि √2, ठीक है। देखिए मैंने बताया था पीक फैक्टर, एवरेज वैल्यू, फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू और फॉर्म फैक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रेजिस्टेंस सर्किट में शक्ति वेव होती है, शक्ति वेव यानी पावर वेव, इसका आंसर है V इक्वल टू RMS। ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, इसका मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी कॉइल का वह गुण जो बैक प्रस्तुत करता है, ये शायद बैक EMF है, सॉरी ये बैक EMF होगा प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं, देखिए इंडक्टेंस, इंडक्टेंस जो है किसी कॉइल का वह गुण है जो बैक EMF प्रस्तुत करता है, उसका आंसर है इंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, इंडक्टेंस की इकाई है, देखिए इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का विलोम क्या होता है, देखिए प्रतिरोध का विलोम क्या है, प्रतिरोध का विलोम कंडक्टेंस है, प्रतिरोध मीन्स होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वह गुण है जो अपने में से करंट को पास होने में अवरोध करता है, उसे रोकता है, और कंडक्टेंस जो है वो करंट को गुजरने में बहुत ही मतलब सुगमता से उसे गुजरने देता है, बहुत ही आसानी से कंडक्टेंस कंडक्टर में, जैसे कंडक्टेंस किसी भी कंडक्टर का कंडक्टेंस अगर अच्छा होगा तो उसमें करंट फ्लो बहुत अच्छा होगा, और उसमें जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसमें करंट का अवरोध होगा, तो प्रतिरोध का विलोम है कंडक्टेंस, जिसे हम लोग जी से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक महो या फिर साइमन होता है, या म्यो हो गया, महो होता है, MHO, ओम का जस्ट अपोजिट। आगे बढ़ते हैं, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसका आंसर है पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर या फिर लैगिंग पावर फैक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में इम्पीडेंस का विलोम क्या है, देखिए इम्पीडेंस का विलोम होता है एडमिटेंस, जिसका प्रतीक S और मात्रक महो या फिर साइमन होता है। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रिएक्टेंस का विलोम क्या है, रिएक्टेंस का विलोम ससेप्टेंस है, इसका प्रतीक B और मात्रक साइमन या फिर महो होता है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, होम और महो, तो महो MHO, आप अगर बुक में देखें तो MHO लिखा रहेगा, महो होम का उल्टा। देखिए ये जितने भी एक दो क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं कि किसी का यूनिट पूछा जाता है या फिर किसी का अपोजिट पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं, जिस एसी सर्किट में केवल प्रतिरोध होता है उसमें करंट व वोल्टेज होते हैं, देखिए तो
तो उसमें होते हैं इन फेज, और ये साथ साथ घटते और बढ़ते रहते हैं। एसी सर्किट में केवल प्रतिरोध होता है जिसमें करंट व वोल्टेज साथ साथ घटते व बढ़ते रहते हैं, ये इसे हम लोग इन फेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस में करंट वोल्टेज से रहती है। देखिए करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है हमें इंडक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस में 90 डिग्री करंट वोल्टेज से पीछे रहती है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा है कैपेसिटेंस में, कैपेसिटेंस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के लिए वीडियो में इतना ही, मैं और भी वीडियो जल्दी ही बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।